रामचंद्र कह गए सिया से, क्या है गर्मी बहुत, ऐसा कलयुग आएगा शहर से भाग के आदमी गांव की तरफ आएगा। आम से बनाया जाता है, आम की चटनी है, इसको टहुआ बोलते हैं। जीरा हवाई पट्टी से आया हूँ डायरेक्ट। और ये हमारे गांव में हमारे बड़े भैया चाचा जी के सुपुत्र जी की छोटी सी दुकान भी है। और भैया क्या हाल चाल है? भैया समोसा बना रहे हैं और हम भैया के अभी चरण स्पर्श करेंगे। ये हो चुका है चरण स्पर्श, कार्यवाही संपूर्ण होती हुई, और ये देसी समोसा आ रहा है। हाँ भैया खिलाइत बताएं। और ये है हमारी बैठकी, इसी में बैठेंगे अब। देसी बैठो पांडे जी। आहा, क्या दादू कहाँ से आए हो? कहाँ को जाओगे? सतना से। बड़े सतना से आए हो? सतना में कहाँ से आए हो? हवाई पट्टी से। हवाई पट्टी से आए हो डायरेक्ट? सतना के तो हम भी हैं। जानते हो मेरे को? देख लेते कभी। कहाँ देखे हो? देख लेते हो रोड पे। काहे में? मोबाइल में। अच्छा वीडियो बना रहे हैं। माना माना। और ये बन रहा है हमारा खाना, ये आम का टहुआ है। अच्छा हाँ, इसका भी दिखाया जाए। लू नहीं लगती है इससे? लू नहीं लगती है ना, इसको दाम का देसी टहुआ है। हाँ बहुत बढ़िया है। आम से बनाया जाता है, आम की चटनी है, इसको टहुआ बोलते हैं। जीरा उरा सब जीरा तड़का मार के, उर्चा तड़का उड़का मार के। क्या है कि क्या है, गर्मी बहुत, लेकिन यहाँ पे जब आप रहने लगते हैं, इस माहौल में ढल जाते हैं, तो गर्मी बहुत कम लगती है। नीम का झाड़ है, ये जड़ी देता है, करोना खत्म कर देता है, खत्म करता है। ये जिंदा दिल्ली जो है आपको गांव में ही मिलेगी, शहर में लोग भागते रहते हैं, और बहुत ही दिखावे भरी जिंदगी है, कोट पैंट और ये दुनियादारी। मैं तो कोट पैंट वगैरह बहुत अवॉइड करता हूँ, फिर भी कभी पहनना पड़ा पहन लूँगा, कोई विशेष आया नहीं, तो मैं टी शर्ट में ही रहना पसंद करता हूँ। और मैं साधारण पहनावे को इसलिए बढ़ावा देता हूँ, ले लो ले, बातों से पेट नहीं भरेगा, इसको खाते चलो। तो देसी पहनावे को मैं इसलिए बढ़ावा देता हूँ क्योंकि जितना सिंपल आप रह सको, अपने आप को रख सको, उतना जीवन में सहूलियत रहती है। बहुत सारे ब्रांड और ये दुनिया भर की चीज़ें, शर्ट वही है, 500 का पहनो चाहे 5,000 का चाहे 50,000 का, जो 5 लाख का पहनता है वो शर्ट ही पहनता है ना। 5 लाख का शर्ट पहनने से ऐसा तो नहीं है कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं किसी को, जो है बुखार उखार हो तो ठीक हो गई हो, हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो। और क्या यार, अब इतना हम लोग इतना ही पता है। सर से थोड़ा सा मिलते हैं, आप भी लिए हैं सर समोसा? नहीं, हम तो नहीं खाते हैं। ये बच्चों को आजकल के बताइए जो चाउमीन पिज्जा बर्गर खाते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे, देसी समोसा और टहुए का क्या है आनंद? अरे देसी आम तो सबसे अच्छी चीज है, पर यहाँ मिलेगा कहाँ देसी आम? सुबह उठ के व्यायाम, व्यायाम यही गांव की पहचान कहे, गांव की पहचान। थोड़ा तो हल्का कम मिला, हल्का कम मिला है, पर बात बहुत बड़ी है, गहरी। हाँ खा लेगा, अभी वीडियो बना रहा है। शहर का आदमी गांव की तरफ निश्चित रूप से आई, पर थोड़ा आएगा, आएगा आएगा जरूर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, शहर से भाग के आदमी गांव की तरफ आएगा। ये भी थोड़ा कम तुक मिला है, पर बात ओरिजिनल है। जग्गा चौराहा का समोसा खाएगा। और ये जग्गा चौराहा, नहीं तो ये। और इसमें भयानक ठंडी होती है, भयानक का मतलब एसी बराबर नहीं होती है, प्राकृतिक ठंडक का एहसास होगा। और वो रखा हुआ है प्राकृतिक, ये रहा वाटर कूलर है ना, ये है मैसूर पाक, ये गांव की बड़ी फेवरेट मिठाई है। और बाकी चीजें तो पता ही होगा आपको, सभी नेशनल ब्रांड है। ये आम है देसी, और ये है भिंडी, और ये है देसी एसी वाटर कूलर। चलते हैं बाहर का माहौल देखते हैं।